आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन के बारे में देखेंगे, हाइपरटेंशन क्या होती है, हमें पैथोफिजियोलॉजी में स्टडी करना है इसके बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में। तो एक एक करके हम स्लाइड के माध्यम से हाइपरटेंशन को देख लेते हैं। सबसे पहले जो होता है ना, इसका डिफिनेशन क्या कहता है, हाइपरटेंशन का डिफिनेशन, हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज परसिस्टेंस इंक्रीज इन सिस्टोलिक। यहाँ पर जो सिस्टोलिक दिख रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विद अ कंसिक्वेंट इंक्रीज इन द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहाँ पर कह रहा है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होती है हमारी और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होती है, उससे जब इंक्रीज कर जाती है ना हमारा ब्लड प्रेशर, तो वो उसे ही हम हाइपरटेंशन कहते हैं। जो नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल जो रेंज होती है हाइपरटेंशन की, वो क्या होती है, 120 एंड 80 होती है। 120 क्या होती है, सिस्टोलिक होती है, और 80 जो होती है ना वो क्या होती है, डायस्टोलिक होती है। अब आगे कह रहा, ये नॉर्मल रेंज हमारा हो गया, नॉर्मल रेंज क्या होती है, 120 एंड 180 होती है MMHg में। अगला पॉइंट कह रहा है कि अ पर्सन इज सैड टू बी सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन इफ हिज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड एट मोर देन 140/90। कह सकते 140/90 MMHg। कह रहे कि जब भी कोई पर्सन क्या होती है हाइपरटेंशन से गुजरता है ना, मतलब हाइपरटेंशन से वो होकर के गुजर रहा है, जिसके मतलब कह सकते कि हाइपरटेंशन जिसके पास है या हो गया है, तो उस समय क्या होती है कि जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होती है ना, उसको अगर मेजर किया जाए तो उसकी जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की प्रेशर होगी ना, अगर वो 140 और 90 से क्या होगी, जो सिस्टोलिक होगा वो उसका 140 से ज्यादा हो और जो डायस्टोलिक होगा वो 90 से ज्यादा हो, तो हम बोलेंगे क्या होगा, हम क्या तब बोलेंगे कि क्या होगा, हाइपरटेंशन क्या हो गई है, इसको मतलब इफेक्ट कर रही है हाइपरटेंशन, इसको हो गई है, मतलब हाइपरटेंशन के कंडीशन में ही इसका ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज कर गया है। जो सिस्टोलिक होती है, ये वाला जो सिस्टोलिक होती है, बीपी इज द बीपी व्हेन हार्ट बीट्स। कह रहे कि जो सिस्टोलिक ऐसा बीपी है जिसमें क्या होती है, जो हार्ट बीट होती है। लेकिन डायस्टोलिक के बारे में क्या कह रहे, डायस्टोलिक इज बीपी व्हेन हार्ट इज रेस्ट। मतलब क्या कि सिस्टोलिक क्या होती है कि हार्ट जब बीट कर रहा होता है ना, तो उस स्थिति को बोलते हैं सिस्टोलिक, जो प्रेशर लगेगी आर्टरियल आर्टरी के जो ब्लड प्रेशर होती है ना, आर्टरियल ब्लड आर्टरी जो होती है ना, उसके वाल पर जो ब्लड प्रेशर ब्लड के द्वारा प्रेशर अप्लाई की जाती है उसी को बोलते हैं सिस्टोलिक, कब, जब हार्ट बीट कर रही हो। लेकिन डायस्टोलिक किसे बोलते हैं, जब हार्ट रेस्ट मतलब स्टेट में आएगी, जब रेस्ट स्टेट मतलब बॉडी से होकर के जब ब्लड क्या होती है फिर से हार्ट में जाती है, तो उस प्रेशर को, जिस प्रेशर से जो प्रेशर लगाती है उस समय आर्टरी के वाल पर, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसके आगे क्या लिखा है, क्या है ब्लड प्रेशर के प्रेशर का इसमें डिफिनेशन दिया है। यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है, फिगर में क्या है, ये आर्टरी जो है ना, आर्टरी के वाल पर जो है इस ब्लड जो दिख रहे हैं, आरबीसी का जो छोटे छोटे दिख रहे हैं यहाँ पे, आरबीसी छोटे छोटे जो आरबीसी दिख रहे हैं इस एरिया में, वो क्या कर रहे हैं, आर्टरी के वाल पर क्या कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं। तो उसी ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन अगर इंक्रीज कर गया हो किससे, 140 और 90 से, या वन नॉर्मल तो 120 और 80 ही होती है, लेकिन अगर 140 और 90 तक रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, या प्लेस के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन का प्रेशर होता है ना वो चेंज होते रहता है, वेरी करेगी। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड ऑन द आर्टरी और ब्लड वेसल्स। क्या कह रहा है, ब्लड प्रेशर जो है ना एग्जर्ट करती है किसके वाल पर, आर्टरी या ब्लड वेसल्स पर, ठीक है, इसको हमने पहले देख लिया है। तो अगला स्लाइड में देखते हैं क्या कह रहा है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ हम हाइपरटेंशन के बारे में देखते हैं। दो टाइप का हाइपरटेंशन होती है, एक तो होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। पहला प्राइमरी हाइपरटेंशन, दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसके बारे में क्या कह रहा हूँ, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन उसके बारे में कह रहा है, प्राइमरी हाइपरटेंशन इंडिकेट दैट नो स्पेसिफिक मेडिकल कॉजेस कैन बी फाउंड टू एक्सप्लेन अ पेशेंट्स कंडीशन। 95% ऑफ द पॉपुलेशन आर सफर्ड फ्रॉम प्राइमरी हाइपरटेंशन। कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है ना, वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट का जो कंडीशंस है उसके लिए कोई मेडिकल कॉजेस नहीं होती, कोई भी मेडिकल कारण नहीं होता है। और 95% जो होता है ना पॉपुलेशन, वो क्या है, प्राइमरी हाइपरटेंशन से पीड़ित है, मतलब उसका शिकार हो चुका है। अब कह रहे कि
इट हैज नो क्योर ओनली कंट्रोल्ड, इसको क्योर नहीं किया जा सकता, मतलब इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको कंट्रोल जरूर किया जा सकता है, ये बात कह रहा है यहाँ पर, ये जो पॉइंट कह रहा है ये पॉइंट कि इसको क्योर नहीं किया जा सकता है, मतलब ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन मतलब इसे खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको हम कंट्रोल अवश्य कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इसेंशियल हाइपोटेंशन, इसको इसेंशियल हाइपोटेंशन भी बोलते हैं, आवश्यक रक्त दाब बोल सकते हैं या आवश्यक हाइपोटेंशन बोलते हैं इसको। अगले स्लाइड में देखते हैं, अगले स्लाइड में कह रहा है कि प्राइमरी जो हाइपोटेंशन है, ये प्राइमरी हाइपोटेंशन इसकी मतलब कुछ कारण है या आती किन चीजों से, इसके बारे में यहाँ पर डिफाइन किया है करके, एक्सेस एल्कोहल इनटेक, जब हम ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं एल्कोहल ले लेते हैं, एल्कोहल ज्यादा मात्रा में लेने से क्या होती है हाइपरटेंशन बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, स्ट्रेस, जब स्ट्रेस का कंडीशन होता है ना किसी भी मनुष्य के पास, तो उस समय क्या होती है हाइपरटेंशन इंक्रीज कर जाएगी, मतलब प्राइमरी हाइपरटेंशन आ जाती है करके, इंक्रीज साल्ट इनटेक, अगला पॉइंट है इंक्रीज साल्ट इनटेक, जब हम साल्ट को ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं लेते हैं, मतलब जो ले रहे थे ना उसकी क्वांटिटी को हमने बढ़ा दिया, तो उससे क्या होती है प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है, आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला कह रहा है कि वेरिएशन इन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, इसको हम आगे देखेंगे कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होती है, और इसमें भी वेरिएशन के कारण क्या होती है हाइपरटेंशन, कौन सी प्राइमरी हाइपरटेंशन आती है। यहाँ पर जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, सब अभी तक हमने क्या देखा था, हमने अभी तक देखा था प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होती है, अब देखेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन यहाँ पर कह रहे हैं कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अदर डिजीज, जो भी दूसरी डिजीज होते हैं ना उनके कॉम्प्लिकेशन के कारण, उनके जटिलता के कारण क्या होती है, उनके जटिलता के कारण जो होती है ना सेकेंडरी हाइपरटेंशन आती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ डिजीज है जिनको जिनके बारे में यहाँ पर नीचे एक एक करके लिखा गया है पॉइंट में, उसको देखते हैं हम। यहाँ पर कह रहे कि कुशिंग जो सिंड्रोम होता है ना उसमें क्या होती है कि हार्मोन का जो लेवल होता है ना, जो लेवल ऑफ हार्मोन उसका क्या होती है लेवल इंक्रीज कर जाता है, जैसे कि कह सकते हैं कोर्टिसोल हो गया, एड्रेनलिन हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड, जो एड्रेनल ग्लैंड होती है ना उसी से क्या होती है एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होती है, उसका लेवल हाई हुआ तो ब्लड वेसल्स की क्या होगी कंट्रिक्ट हो जाएगी, जिससे ब्लड वेसल्स क्या होगा सॉरी ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एल्डोस्टेरोन सीक्रेट कैसे होती है एड्रेनल ग्लैंड से, आगे स्लाइड में देखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के बारे में कह रहा है सॉरी हाइपरथायरॉइडिज्म के बारे में कह रहा है, हाइपरथायरॉइडिज्म जो होती है ना जिसमें क्या होती है कि थायराइड जो हार्मोन होता है उसका सिक्रीशन क्या होती है ज्यादा होने लगती है, एक्सेसिव अमाउंट होने लगती है। अगले पॉइंट में क्या कह रहा है कि किडनी इंपायरमेंट के कारण भी क्या होती है हाइपरटेंशन आ जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान आ जाती है, इकोसाइटोक्रो सॉरी ए इक्रोमोसाइटोमा, इक्रोमोसाइटोमा क्या होती है पीसीसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या 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 बोलते हैं पीसीसी, इसमें क्या होती है कि जो न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर होती है ना, न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर ऑफ द मेडुला ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड का जो मेडुला का जो न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर होती है ना दैट सीक्रेट हाई अमाउंट ऑफ कैटेकोलामाइन, यहाँ पर देखिए ये जो हार्मोन दे रहा है कैटेकोलामाइन, इसमें क्या होती है कि जो हाई अमाउंट में क्या होती है कैटेकोलामाइन जो होता है ना, कैटेकोलामाइन क्या होती है हाई अमाउंट में सीक्रेट होने लगती है इस डिजीज में, क्यों होती है न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर के कारण होती है, और वो कहाँ होती है न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर मेडुला में, मेडुला जो ब्रेन का पार्ट होता है ना उसमें होती है, तो एड्रेनल ग्लैंड की जो मेडुला होती है ना उसमें न्यूरो ट्यूमर के कारण जो होती है ना सिक्रीशन जो होती है हाई अमाउंट में होने लगती है किसकी कैटेकोलामाइन की, कैटेकोलामाइन हार्मोन होता है जिसका सिक्रीशन जो होता है ना हाई अमाउंट में होने लगती है पीसीसी वाले डिजीज में। ठीक है, अगले स्लाइड में देखते हैं, आगे कह रहा है पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का क्या पैथोफिजियोलॉजी इसमें देख लेते हैं, देर आर सम इम्पोर्टेंट पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म हाइपरटेंशन, पहला क्या है ओवर एक्टिवेशन ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जिसको आर ए एस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि इसके क्या होती है एक्टिवेशन से ओवर एक्टिवेशन हो जाती है ना, तो इसके कारण भी क्या होती है हाइपरटेंशन आती है या उसका कंडीशन बनता है। दूसरा नंबर क्या है साल्ट सेंसिटिविटी, साल्ट सेंसिटिविटी के कारण भी आती है, इसमें देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम आर एस के जो ओवर एक्टिवेशन है उसको देख लेते हैं कैसे होती है,
ओवर एक्टिवेशन ऑफ आरएएस आरएएस लीड्स टू वेसो कंस्ट्रिक्शंस लीड्स टू वेसो कंस्ट्रिक्शंस एंड रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड H2O विच इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड लीड्स टू हाइपरटेंशन। जो आरएएस है ना वो क्या करती है, ओवर जब एक्टिवेशन हो जाता है तो उस समय क्या होती है, वेसो जो होता है ना मतलब वेसल्स जो ब्लड वेसल्स होता है ना वो क्या होता है, कंट्रिक्ट हो जाता है। क्यों कंट्रिक्ट हो जाता है भाई, क्योंकि जब आरएस जो ओवर एक्टिवेशन होता है उस समय क्या होती है कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है, वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। वो रिटेंशन मतलब क्या, मतलब कह रहे हैं कि उसमें प्रेजेंट होता है, मतलब जो सोडियम होता है वो क्या होती है रीअब्जॉर्ब हो जाती है और वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाती है हाई अमाउंट में, जिससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है ना इंक्रीज कर जाता है और इसके कारण क्या होती है हाइपरटेंशन आती है। यहाँ पर देखिए सोडियम और H2O का रीअब्जॉर्प्शन होता है और जो पोटेशियम होती है ना के उनका क्या होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, लेकिन जो सोडियम होता है ना सोडियम ये रीअब्जॉर्ब होता है और H2O, ये H2O भी क्या होता है रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है अगले स्लाइड में देखते हैं आरएस को पूरे फुल डिटेल में देखते हैं कैसे वर्क करता है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पर जो फिगर लिवर का है, लिवर से क्या सीक्रेट होता है एंजियोटेंसिनोजिन। यहाँ पर जो दिख रहा है ये एंजियोटेंसिनोजिन सीक्रेट हो रही है किससे, लिवर से। और यहाँ पर जो दिख रहा है ये क्या है किडनी है, तो किडनी से क्या सीक्रेट हो रही है रेनिन, ये जो रेनिन है वो किडनी से सीक्रेट हो रही है। तो किडनी जो रेनिन है ना वो रेनिन क्या करता है, रेनिन जो होता है एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में क्या करता है कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन टेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है कौन, रेनिन। अब क्या होता है कि एंजियोटेंसिन तो फर्स्ट फर्स्ट कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिनोजन से, अब जो हमारा लंग्स होता है ना ये वाला लंग्स ये क्या सीक्रेट करता है ACE, ACE का मतलब क्या होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एक प्रकार का एंजाइम है जो क्या करती है एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करती है किसमें, ये किसमें कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करती है। अब एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करती है, हमारे बॉडी में बहुत सारे इसके वर्क है, बहुत सारे फंक्शन है, जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है ना सिंपैथेटिक एक्टिविटी वो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को यहाँ पर इंक्रीज करने जो ग्राफ सूचित कर रहा है ना, यहाँ पर ग्राफ क्या कह रहा है, ग्राफ ग्राफ कह रहा है कि इंक्रीज कर रहा है सिंपैथेटिक एक्टिविटी। हमने पढ़ा था ब्रेन में सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक जो कंडीशन होती है उसमें क्या होती है जो ब्रीदिंग रिदम होता है ना वो इंक्रीज कर जाती है, हार्ट बीट भी जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, मतलब फियर फ्लाइट फाइट की स्थिति में क्या होती है ये एक्टिव होता है, जो सिंपैथेटिक होती है ना वो फियर फ्लाइट फाइट की स्थिति में एक्टिव होगी ब्रेन का जो पार्ट है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करती है इसके एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी सिंपैथेटिक एक्टिविटी में तो ऐसे ही बढ़ती है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, ट्यूबुलर ट्यूबुलर सोडियम क्लोराइड री एब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन H2O रिटेंशन। यहाँ पर क्या दिख रही है इस फिगर में, देखिए इस फिगर में क्या दिख रहा है कि सोडियम का जो होता है ना सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन पोटेशियम जो हो रहा है यहाँ पर देखिए सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, पोटेशियम का क्या हो रहा है यहाँ पर एक्सक्रीशन हो रहा है, यहाँ पर क्लोराइड का भी क्या हो रहा है एब्जॉर्प्शन हो रहा है, H2O का भी रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पर इस फिगर में इसी बात को दर्शा रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके कारण भी क्या होती है ब्लड प्रेशर इंक्रीज करती है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है यहाँ पर देखिए किडनी जो है ना किडनी किडनी के ऊपर एक जो किडनी के ऊपर ये जो पीला वाला भाग दिख रहा है छोटा सा एक पीला वाला भाग, एंजियोटेंसिन क्या करता है इस पर इफेक्ट करता है अपना, इस पर इफेक्ट डालता है और इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। यहाँ पर देखिए कॉर्टेक्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, यहाँ पर ये एड्रेनल ग्लैंड है जो पीला वाला भाग है ना वो क्या है एड्रेनल ग्लैंड है, तो उसके कॉर्टेक्स वाले पार्ट क्या होते हैं बाहरी जो पार्ट होते हैं उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, तो उसी कॉर्टेक्स वाले पार्ट पर क्या करते हैं ये इफेक्ट करता है और ये जो एड्रेनल ग्लैंड होता है ना ये क्या करती है एल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करती है, एल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करती है ये हार्मोन होता है और ये एल्डोस्टेरोन क्या करती है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, या ऐसे कह सकते हैं सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है ये हार्मोन। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि एंजियोटेंसिन सेकेंड के कारण क्या होती है कि जो आर्टरियोल होता है ना आर्टरियोल वो क्या होते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी कि वेसल्स जो होते हैं ना जो मोटी थी वो क्या होती है क्या हो जाएगी कंस्ट्रिक्शन पतली हो जाती है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर देखिए ADH सिक्रीशन, ADH एंटी डायुरेटिक हार्मोन, एंटी डायुरेटिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होती है सिक्रेट होती है, जो पोस्टेरियर लोब होता है ना
इसका जो पोस्टेरियर लोब, इसमें दो लोब होते हैं, एक इंटीरियर एक पोस्टेरियर। जो पोस्टेरियर लोब होता है उससे क्या सीक्रेट होती है, एडीएच, एंटी डायुरेटिक हार्मोन। ये क्या करती है, कलेक्टिंग डक्ट एच टू रिब्स। इसमें क्या होती है कि जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ना, नेफ्रॉन में पड़ेंगे, तो नेफ्रॉन में जैसे कि किडनी में इसे पड़ना है, नेफ्रॉन में, उसमें क्या होती है कि इसमें भी क्या होता है कि वाटर का रिएब्जॉर्प्शन कर लेगा। जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ना, वो क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो यूरिन होती है एक्सक्रीट आउट होती है, बाहर निकलती है। तो उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अगर बॉडी की नीड होती है तो क्या करता है, उसमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण क्या होती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करती है। तो एंटी डायुरेटिक हार्मोन क्या करती है, ज्यादा तो ये तो होती है कि यूरिन को फ्लो करने में, बहाने में, निकालने में ये हेल्प करती है। तो यहाँ पर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसको हमने अच्छे से देख लिया फिगर के थ्रू पूरे डिटेल में। तो अगला पॉइंट जो है हमारा क्या है, अगला स्लाइड देखिए, यहाँ पर साल्ट सेंसिटिविटी है। साल्ट सेंसिटिविटी के कारण कैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज करती है, करें कि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इंक्रीज अमाउंट ऑफ द साल्ट इन अ पर्सन ब्लड स्ट्रीम कॉजेज द बॉडी टू ड्रॉ मोर वाटर विच इंक्रीज द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। देखिए इसमें कह रहा है कि जो साल्ट होता है ना, अगर हम क्या कर रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं साल्ट को, ज्यादा मात्रा में इंटेक कर रहे हैं, तो जब हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उसमें क्या होती है कि साल्ट जो है ना, साल्ट का मात्रा जो होती है या अमाउंट जो होता है ना, वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाएगी। तो क्या करता है, इंक्रीज करने के कारण जो वाटर होता है ना, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा मात्रा में होने लगता है, हाई अमाउंट में क्या होती है, वाटर रीअब्जॉर्ब होने लगता है, जिसके कारण क्या होती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाती है। और ब्लड वेसल्स के वाल पर जो होता है ना, प्रेशर क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, वैसे कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी भाई, तो होना ही है ब्लड प्रेशर। अगले स्लाइड में देखते हैं, हमने दोनों इसके मैकेनिज्म को देख, यहाँ पर हम सिम्टम्स देख रहे थे। सिम्टम्स के बारे में, सॉरी माइक क्लोज हो गया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहे कि टायर्डनेस, थकान होने लगती है, चेस्ट पेन होने लगता है, नौसिया, वोमिटिंग होने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू हम पकड़ सकते हैं कि क्या हमारा मतलब हाइपरटेंशन की कंडीशन हुई है, इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया है। इसके इन सारे जो सिम्टम्स होते हैं इससे पकड़े जा सकते हैं। अगले स्लाइड में देखते हैं डायग्नोसिस कर रहा है। यहाँ पर बीपी मेजरमेंट थ्रू द स्फाइगोमैनोमीटर, यहाँ पर स्फाइगोमैनोमीटर की यूज किया गया है, बीपी मॉनिटर और ईसीजी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबसे पहले ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डायग्नोसिस करने के लिए हमें स्फाइगोमैनोमीटर से पता करना होता है कि हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है, दोनों में अंतर है, हाइपो हाइपर, ठीक है। तो इसको पता करते हैं सबसे पहले स्फाइगोमैनोमीटर से, या जो बीपी मॉनिटर होता है उसके बाद क्या करते हैं हम उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। ईसीजी से भी पता कर सकते हैं, हार्ट बीट का इसमें पता चलता है, जो इसमें ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होती है, इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पेपर के यूज कीजिए तो उस पेपर से पता चल सकते हैं, उसके ग्राफ से मतलब जो हार्ट बीट होते हैं ना वो इंक्रीज करेगी तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगी, तेजी से होने लगेगा, शॉर्ट ब्रेथनेस जो होती है ना, ब्रेथ वो शॉर्ट हो जाएगी बहुत, मतलब जल्दी से क्या करेंगे हम, सांस लेने लगेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पीपीटी में देखिए, यहाँ पर कह रहा है ट्रीटमेंट कैसे करेंगे भाई। ट्रीटमेंट इसमें कह रहे दो तरीके से होती है, एक तो नॉन फार्माकोलॉजिकल होती है, एक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है इसमें क्या होती है कि जो फिजिकल एक्टिविटी होता है, हमारे जो दिनचर्या होती है, दिन में हम जो कार्य करते हैं, सोने का, खाने का, जगने, इन सभी से क्या कर सकते हैं हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, सुबह उठ करके इसको मेंटेन कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू। अगला पॉइंट कह रहे कि डायटरी सोडियम रेस्ट्रिक्शन, जो भी फूड में सोडियम पाया जाता है उसको हमें रोकना होगा, उसे हमें नहीं लेना होगा। अगला पॉइंट करके वेट रिड्यूस, जो हमारे वेट बन रही है, गेन हुआ है, उसमें क्या होगी, कम करना होगा, वेट को कम करना होगा, रिड्यूस करना होगा। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करना होगा, हमें स्मोकिंग नहीं करनी होगी। अवॉइड एल्कोहल कंजप्शन, दारू कम पीना होगा बाबू, मतलब कहने का तत्पर्य यह है कि इसमें अल्कोहल जो लेते हैं ना उसको क्या करना पड़ेगा, जो अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं उसको अवॉइड करना होगा, खत्म करना होगा, नहीं लेना होगा। फार्माकोलॉजिकल जो मेडिसिन के द्वारा कैसे कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर देखिए डायूरेटिक, डायूरेटिक के लिए तीन मेडिसिन को यहाँ पर दिया गया है। डायूरेटिक में, डायूरेटिक क्या करता है, डायूरेटिक का मतलब क्या हुआ, यानी जो यूरिन है ना, यूरिन फ्लूशन जो फॉर्मेशन, ये जो फ्लो हो रही है वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है, जिससे क्या होती है जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है ना वो डिक्रीज कर जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं डायुरेटिक जो यहाँ पर मेडिसिन है उसको हम लेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर देखिए बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर का काम क्या है, जो ब्लड वेसल्स के वाल में जो मसल्स कंट्रेक्शंस होती है ना, ये उसको क्या करता है, मसल्स कंट्रेक्शंस को, मसल्स कंट्रेक्शन को क्या करेगा, यहाँ पर बीटा ब्लॉकर है ये,
मसल्स कंट्रेक्शन को क्या करेगा, कम करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, दो प्रकार के मेडिसिन को यहाँ पर प्रिस्क्राइब, दो मेडिसिन है जो यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया। देखिए बीटा ब्लॉकर चैनल और कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या होती है, कैल्शियम चैनल क्या हेल्प करता है, देखिए ब्लड वेसल्स होती है ना उसमें जो कंट्रेक्शन होती है उसको ये रिड्यूस करेगा बीटा ब्लॉकर। लेकिन उस वेसल्स में क्या होती है कि जो मसल्स फाइबर होते हैं ना वो आकर के एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसके वाल पर, जिससे क्या होती है कि मसल्स जो कंट्रेक्शन होती है ना, कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन कंट्रेक्शन, वो बहुत तेजी से होने लगती है, जिससे क्या होती है कि वेसल्स जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना वो, और ये जो तेजी से होती है ना वो हेल्प करता है तेजी से करने में कौन, कैल्शियम चैनल। और इसी कैल्शियम चैनल को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएगी तो मसल्स का जो कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है बहुत तेजी से वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए दो मेडिसिन प्रिस्क्राइब यहाँ पर किया गया। एसी इनहिबिटर, एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसका क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको हमने देखा था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में। ये एल्डोस्टेरोन फर्स्ट को क्या करता था, एल्डोस्टेरोन सेकंड में कन्वर्ट करता था, जिससे क्या होती है वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो होती है ना वो क्या होती है कंट्रैक्ट कर जाती है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता था। तो ये दो मेडिसिन है जो क्या करेगी, इसको इनहिबिट करेगी। बेसो डायलेटर, यहाँ पर बेसो डायलेटर क्या होगी, यहाँ पर दो मेडिसिन है जो वेसल्स को जो है ना ब्लड वेसल्स को क्या करेगी, जो पतला है उसको क्या करेगी, डायलेट करके फैला देगी, बड़ा कर देगी। ठीक है, तो ये वेसो डायलेटर क्या है, दो मेडिसिन है। ठीक है, वेसो डायलेटर है, यहाँ पर दो मेडिसिन दिया गया है यहाँ पर जो वेसल्स को डायलेट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो हम इस प्रकार से फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसका, हाइपरटेंशन का। और हमारा हाइपरटेंशन जो हुआ खत्म हुआ, बहुत ही मुश्किल से खत्म हुआ है। 3 बार हमारा माइक यहाँ पर क्या हुआ, 3 बार माइक जो है ऑफ हो गया है, इसको इसके चलते बीच बीच में इसका रिदम टूटा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, यही यहाँ पर हाइपरटेंशन है, इसका ट्रीटमेंट मैकेनिज्म सब देख लिए। ठीक है, इसके सिम्टम्स भी देखे, डायग्नोसिस भी देखे। तो चलिए हम अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं।